नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, मैं सीताराम बाकर, स्वागत है आपका राजस्थान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट एग्री सिलेक्शन पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज दोस्तों अपन पढ़ेंगे अंगूर की खेती, जैसा कि हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्रूट्स की खेती पढ़ रहे थे अपन, तो उसमें पढ़ेंगे अपन अंगूर की खेती। अंगूर की खेती देखिए दोस्तों, पहले बात करेंगे अपन अंगूर के बारे में, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो पहले जान लेते हैं अपन अंगूर का जो बोटनिकल नेम होता है वो क्या होता है। तो इसका जो बोटनिकल नेम होता है, बोटनिकल नेम वाइटिस विनिफेरा इसका बोटनिकल नेम होता है। अगर कुल की बात करें तो कुल होता है इसका वीटेसी हो गया इसका कुल। और ध्यान रखना, इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो इम्पोर्टेंट है, और उत्पत्ति स्थल माना जाता है कैप्सियन सागर। कैप्सियन जो सागर है उसके पास में आर्मेनिया, या उसको बोल सकते हैं सोवियत संघ भी, कैप्सियन। देखो केस इसका जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है, देखो या तो डायरेक्ट आप आर्मेनिया दे सकता है एग्जाम में, सोवियत संघ दे सकता है, या कैस्पियन सागर के पास में है, के पास आर्मेनिया, या फिर ये दे सकता है सोवियत संघ, रूस। देखो ये इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। कुल की बात कर ली, अब गुणसूत्रों में बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। जो अंगूर होता है, इस अंगूर की अलग अलग प्रजातियां होती है, भारत में अलग उगाई जाती है, विदेशों में अलग उगाई जाती है। तो गुणसूत्र संख्या में आप कंफ्यूज ना हो, अंगूर के अंदर कभी भी आपको गुणसूत्रों की संख्या नहीं पूछी जाती। गुणसूत्रों में अगर पूछेंगे आपको तो उसके अंदर वेराइटी देगा, प्रजाति देगा आपको अलग अलग। तो अंगूर के अंदर गुणसूत्र की बात करें तो अंगूर के अंदर 34 से लेकर 76 होते हैं गुणसूत्रों की संख्या। ध्यान रखना 34 से लेकर 76। लेकिन अपने भारत के अंदर बात कर रहे हैं अपन वाइटिस विनिफेरा के अंदर गुणसूत्रों की संख्या मानी जाती है, वो मानी जाती है 38। इस प्रजाति की जितनी भी किस्में हैं उसके अंदर मानी जाती है 38 गुणसूत्रों की संख्या। अब देखो अगर और प्रजाति की बात करें, रूटेंडिफोलिया भी आती है, वाइटिस रूटेंडिफोलिया, उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है। अगर बात करें वाइटिस विनिफेरा तो उसके अंदर 38 होती है। तो ऐसे अलग अलग प्रजातियाँ, अभी आप अमेरिका की बात करोगे तो वहाँ पर वाइटिस लेब्रस का उगाई जाती है, वाइटिस लेबर्स का, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब बात कर रहे हैं अपन अंगूर के बारे में बेसिक बात। तो सबसे पहले बात करें इसका जो प्रजनक, अंगूर का जो प्रजनक माना जाता है उसको माना जाता है SDOMO। इसका प्रजनक HDOMO, अंगूर का प्रजनक माना जाता है HDOMO को, इसको बोला जाता है अंगूर ब्रीडर। और अगर बात करें प्रोडक्शन की तो पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो इसका उत्पादन होता है वो होता है इटली के अंदर। ध्यान रखना अंगूर का उत्पादन की बात कर रहे हैं अपन, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इटली के अंदर। अगर भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा अंगूर होता है महाराष्ट्र के अंदर। और राजस्थान की बात करें तो आपको पता है श्रीगंगानगर में क्या होता है, अंगूर का उत्पादन होता है। अब अगर अपन बात कर रहे हैं अंगूर पढ़ रहे अपन, तो अंगूर से आपको पता है सबसे ज़्यादा क्या बनाई जाती है, अंगूर से बनाई जाती है शराब। और लगभग अंगूर के जितना भी उत्पादन होता है, जितना भी प्रोडक्शन होता है, लगभग 80 से 82%, तो 80 से लेकर 82% क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। और उस शराब को कौन सी क्वालिटी की आपको पता है, विस्की। आपने नाम सुना होगा खूब, विस्की जो शराब बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, अंगूर से बनाई जाती है। 80 से 82% क्या आती है, शराब बनाने काम आती है। अगर बात करें अपन शराब के अलावा, आपको पता है क्या और क्या बनाई जाती है, तो इसकी किशमिश बनाई जाती है 10%। क्या बनाई जाती है, किशमिश बनाई जाती है, किशमिश
10% अंगूर से क्या बनाई जाती है, किशमिश बनाई जाती है, और बाकी जो भी बच गया उसको क्या करते हैं अपन खाने के काम में लेते हैं। ये चीज़ अपने बेसिक बात थी, वो समझ आ दी आपको। इसके अलावा बात करें, अंगूर जो होता है आपको पता मीठा होता है, और अंगूर के अंदर जो शर्करा होती है उसको बोलते हैं माल्टोज, मतलब शर्करा। शर्करा अंगूर के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, देखो पहले तो ये ध्यान रखना, जो शर्करा होती है लगभग 20% मानी जाती है, बुक्सों के अंदर 25% शर्करा की मात्रा दर्शाई गई है, लेकिन औसत अंगूर के अंदर 20% शर्करा पाई जाती है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, शर्करा की मात्रा। अब शर्करा कौन सी पाई जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंगूर के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, और वो शर्करा पाई जाती है, वो पाई जाती है माल्टोज। कौन सी शर्करा? माल्टोज। अंगूर के अंदर माल्टोज शर्करा पाई जाती है। आगे होगी आपको समझ में सबको। किशमिश का बता दिया, खाने का बता दिया, इसके अलावा शराब बनाने का बता दिया। अब देखो एक क्वेश्चन आता है बेसिक, जो अपन शराब बनाते हैं, अंगूर की शराब बनाते हैं, उस विज्ञान को क्या कहते हैं, मतलब अंगूर की शराब बनाने की जो विज्ञान होती है उसको बोलते हैं एनोलॉजी। मतलब अपन कह सकते हैं शराब बनाने की विज्ञान को बोलते हैं एनोलॉजी। एनोलॉजी जैसे अपन अंगूर की खेती का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, तो वो आप जानते हो, उसको बोलते हैं क्या, सब जानते हो, विटीकल्चर। मतलब कह सकते हैं अंगूर की खेती किस विज्ञान के अंतर्गत आती है, वो आती है वीटी कल्चर। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, अंगूर की जो खेती की जाती है वो वीटी कल्चर कहलाती है। अगर इसके अलावा बात करें तो ये थी इसके बारे में बेसिक बात। अपन अंगूर पढ़ रहे और अंगूर अनुसंधान केंद्र, आपने सुना होगा अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। तो अंगूर अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, पुणे के अंदर। और पुणे कहाँ आता है, महाराष्ट्र के अंदर। पुणे कहाँ आता है, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये था इसके बारे में बेसिक बात। एक बार आप सभी विद्यार्थी इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद में अपन बात करेंगे इसके आगे की कहानी। तो एक बार आप नोट कर सकते हो उसको। देखो अंगूर कुछ खट्टा भी होता है, आपको पता है खट्टा भी होता है, उसके अंदर भी एक अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का नाम याद रखना। अंगूर में अम्ल कौन सा होता है, वो होता है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल ये किस में पाया जाता है, ये अंगूर के अंदर पाया जाता है। अब अंगूर की खेती की बात कर रहे हैं तो अपन देख लेते हैं मृदा, इसके लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। तो आप जानते हो लगभग ठंडा मौसम इसकी खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, और उसका जो तापमान होता है, मतलब इसकी जो बेलें लगती है, देखो अंगूर की जो बेलें लगती है, खूब बार क्वेश्चन आया हुआ है कि उसके लिए टेम्परेचर कितना अच्छा माना जाता है। तो अंगूर का जो बेलें का जो विकास होता है, बेलों पर भी फल लगते हैं, तो उसके विकास के लिए सबसे अच्छा तापमान माना जाता है, वो माना जाता है 10 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान इसकी बेलों के विकास के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे औसत अगर इसके तापमान की बात करें
तो बुक्सों के अंदर लगभग 10 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दे रखा है। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर आ जाए बेलों के विकास के लिए सबसे अच्छा तापमान कौन सा माना जाता है, वो 10 डिग्री। अगर मिट्टी की बात करें तो अपने देखो राजस्थान में तो अंगूर श्रीगंगानगर में होते हैं, लेकिन भारत की बात करें महाराष्ट्र के अंदर होते हैं। तो महाराष्ट्र में जो काली मृदा होती है ना, सबसे ज़्यादा खेती की जाती है इसकी काली मृदा में। तो मृदा महाराष्ट्र के अंदर है ना, जो मृदा होती है वो होती है काली मृदा। काली मृदा इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर मृदा के पीएच मान की बात करें तो लगभग 6.5, 6.5 से 7.5, 7.5 पीएच मान वाली जो भूमि होती है वो इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। प्रवर्धन की बात कर लेते हैं अपन। प्रवर्धन भी अंगूर का प्रवर्धन में देखो बहुत से विद्यार्थी कन्फ्यूज होते हैं, अंगूर की कलमें कब लगाई जाती है, तो एक बार इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद में अपन प्रवर्धन की बात करें। हाँ बेटा, कांट छांट सबसे ज़्यादा इसी में करते हैं, अंगूर में ही करते हैं, अंगूर के अंदर ही कांट छांट करते हैं, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। देखो अपन बात कर रहे हैं अपन प्रवर्धन की, प्रवर्धन इसके अंदर अंगूर के अंदर खूब बार क्वेश्चन आया हुआ है, जेट आईसीआर सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। आप देखना कृषि पर्यवेक्षक में अभी तक नहीं आया लेकिन क्वेश्चन आ सकता। अपना जो भारत है, अपना ये समझिए, आप भारत समझिए इसको, इस मैप को भारत का नक्शा समझिए, और ये ऊपर वाला जो एरिया है ना उत्तरी भारत, उत्तरी भारत हो गया उत्तरी, ये हो गया दक्षिणी, ये हो गया पूर्वी और ये हो गया पश्चिमी। देखो ये जो राजस्थान है ना, राजस्थान की लगभग स्थिति यहाँ पर है राजस्थान, तो ये राजस्थान आता है उत्तरी पूर्व पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। अगर बात करें, ये क्वेश्चन खूब बार आया हुआ है, यहाँ से जो अंगूर होता है उत्तरी भारत में अंगूर का रोपने की या उसकी कटाई का सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है। देखो उत्तरी भारत की बात करें अगर यहाँ पर, तो सबसे अच्छा समय माना जाता है जनवरी, जनवरी महीने के अंदर ही पौधों को लगाया जाता है, इनकी कटाई छटाई भी की जाती है, और प्रवर्धन का अंगूर के रोपने का रोपाई का भी सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है, जनवरी महीना। अगर बात करें रोपाई की बात कर रहे हैं अपन, तो रोपाई के लिए उत्तरी भारत में सबसे अच्छा समय जनवरी माह उत्तरी भारत में, तो ये हो गया। अगर बात करें अपन दक्षिणी भारत की, तो देखो यहाँ से कन्फ्यूज होता है, दक्षिणी भारत में 2 बार लगाते हैं, देखो जो दक्षिणी भारत है इस दक्षिणी भारत के अंदर साल में 2 बार लगाते हैं, इसका प्रवर्धन 2 बार लगाते हैं, इसकी कलमें 2 बार लगाते हैं। एक तो लगाते हैं नवंबर दिसंबर, ध्यान रखना अक्टूबर नवंबर का ले सकते हैं, अक्टूबर लास्ट में और नवंबर फर्स्ट में, तो इसमें दक्षिणी भारत में लगाते हैं अक्टूबर अक्टूबर नवंबर 1 बार तो तब, और 1 बार लगाते हैं अपने मार्च अप्रैल के महीने में। राजस्थान की बात नहीं कर रहा मैं, राजस्थान की बात नहीं कर रहा मैं, दक्षिणी भारत की कर रहा हूँ, राजस्थान यहाँ रह गया, तो 1 बार लगाते हैं पर मार्च अप्रैल के महीने। देखो भारत में 2 बार कलमें लगाई जाती है। इसके अलावा अगर बात करें पश्चिमी भारत में, देखो यहाँ पर आ गया राजस्थान की भी आ गई, इसमें आधा राजस्थान भी आ गया उत्तरी इस एरिया के अंदर, पश्चिमी राजस्थान की पश्चिमी भारत की बात करें तो इसमें लगाते हैं अक्टूबर माह में, पश्चिमी राजस्थान में तो अक्टूबर में, अक्टूबर के महीने में क्या करते हैं अपन कलमें लगाते हैं। तो ये तीनों एरिया की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा कांप लगाते हैं जनवरी में। अगर क्वेश्चन सीधा सिंपल आए कि अंगूर की कलमें या अंगूर की रोपाई के लिए सबसे सर्वोत्तम महीना कौन सा माना जाता है, या कटाई छटाई भी इसमें जनवरी में करते हैं, और जो पौधे लगाते हैं अंगूर की रोपाई करते हैं वो भी अपन कब करते हैं, जनवरी महीने में। अब ध्यान रखना, अब प्रवर्धन करेंगे किसके, अगर व्यापारिक या व्यवसायिक दृष्टि से देखें तो अंगूर की जो कलमें लगाई जाती है कलमी पौधे, कलम लगाई जाती है, प्रवर्धन के लिए क्या ली जाती है, कलम ली जाती है। अब कलम में क्या करेंगे, कलम को क्या करते हैं अपन, जो 200 ppm 200 ppm आपने देखा होगा IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड IBA,
आईबीए के गोल से उपचारित कर लेंगे और उसके बाद में क्या करते हैं, कलमे लगा देते हैं। अब आईबीए के गोल से उपचारित करने से फायदा क्या होगा, अपनी जड़ें जल्दी निकल जाएगी, जड़ें जल्दी निकल जाएगी, और जड़ें जल्दी निकल जाएगी तो जल्दी क्या होगा, उसका फुटान हो जाएगा। तो ध्यान रखना आईबीए से उपचारित करते हैं। अगर बात करें कलमे पौधे को लगाने की दूरी, तो पौधों से पौधों की दूरी रखते हैं अपन 3x3 मीटर, पौधों से पौधों की दूरी, पौधों की दूरी वो रखते हैं अपन 3x3 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, अच्छा क्वेश्चन। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लें प्रवर्धन को, उसके बाद में अपन बात करेंगे आगे। हाँ बेटा 500 ppm, 200 से 500 ppm है, 200 से 500 ppm है, 200 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब देखी जो 2000 पहले से चलती है, उसमें 200 ppm दे रखा, अभी वर्तमान में 500 ppm है, और इन किताबों में 200 से 500 ppm दोनों दे रखा, तो इसलिए मैंने 200 ppm लिख दिया, क्योंकि ज़्यादा लेना घातक हो सकता है, अगर आप कम मात्रा ले लोगे तो वो घातक नहीं है, तो आप टेंशन ना लें। प्लांट डिस्टेंस चंदन 3x3 मीटर सही है। चलो अब देखो बात करें, एक विधि होती है पांडाल, देखो चार विधियां हैं बेसिकली, वैसे तो पांच है लेकिन चार विधियों में बांटा गया। पहली विधि होती है पांडाल विधि, पांडाल विधि। इस विधि को देखो, पहली विधि है पांडाल और इस विधि को बोलते हैं बावर सिस्टम, बावर सिस्टम भी बोलते हैं, बावर सिस्टम बोल दो या पांडाल विधि बोल दो। इसी विधि का और भी नाम है मंडप, मंडप आपने देखा होगा शादी का मंडप, पांडाल भी देखा होगा आपने शादी के अंदर जो पांडाल टेंट वेंट लगाते हैं उस टाइप की है। इसको ही बोलते हैं आपको पता वायर, वायर विधि भी, वायर विधि भी, वायर विधि। ये चार नाम हो गए सेम, यही है नाम, पांडाल विधि दे दे आपको एग्जाम में, पांडाल दे दे, बावर दे दे, मंडप विधि दे दे, या वायर सिस्टम दे दे। सबसे ज्यादा ये जो विधि है ये अपनाई जाती है दक्षिणी भारत के अंदर, ध्यान रखना दक्षिणी भारत के अंदर यही विधि अपनाई जाती है, दक्षिणी भारत के अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर कलमे लगाने के लिए, सॉरी अंगूर का बगीचा लगाने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, वो कौन सी ली जाती है, ये विधि काम में ली जाती है सबसे ज्यादा। आप इसके डायग्राम तो बनाने की आवश्यकता ही नहीं, क्यों आप जानते हो जो शादी के अंदर टेंट लगाते हैं, पांडाल लगाते हैं उस टाइप के, मतलब वो खंभे रोप देंगे और ऊपर आप बेलों को फैला देंगे। दूसरी जो विधि मानी जाती है वो होती है ट्रेलिस, या उसको बोल दो निफिन, ट्रेलिस, ट्रेलिस, ट्रेलिस विधि, या इसको बोल दो निफिन विधि। देखो निफिन, निफिन विधि बोल दो, ट्रेलिस विधि बोल दो, इसको बोल दो कोर्डन विधि, कोर्डन, कोर्डन विधि। ये तीनों नाम सेम ही है, लगभग विधियां भी पूरी सेम है। इन विधियों की खासियत है, इसको जो कोर्डन है ना निफिन, ये क्या हुआ था, सबसे पहले 1850 में, 1850 में एक साइंटिस्ट था, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था विलियम्स निफिन, उसका नाम था विलियम्स निफिन, विलियम्स निफिन, निफिन। इसने क्या किया था, इसका विकास किया था, और विकास किया था न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जानते हो आपने नाम सुना होगा अमेरिका, इसने विकास किया था न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क इस विधि का विकास। अब इसमें आपने देखा होगा निफिन या कोर्डन बोल रहे हैं अपन, इसमें क्या करते हैं, जो अपने दो खंभे होते हैं, दो खंभे, इनके एक बीच में भी एक तार खींच देते हैं, तार खींच देते हैं, ऊपर भी एक तार खींच देते हैं, और यहाँ जो प्लांट लगाते हैं अपन, ये जो प्लांट लगाते हैं, तो देखो ये जो दो पौधे हैं इनको ऊपर
इनकी जो शाखाएं होती है इधर फैला देंगे, इधर फैला देंगे, इसकी शाखाओं को इधर फैला देंगे, इधर फैला देंगे, ये बेले इधर उधर कर देंगे, इनकियों को यहाँ कर देंगे, ये लो जी। तो इस टाइप से है ना ये जो विधि है ना ये अपनाई जाती है, कोर्डन विधि। और ये जो वेराइटी ना, एक वेराइटी का नाम सुनाऊंगा आपने, थॉम्सन सीडलेस, सबसे ज्यादा इस विधि में काम रहते हैं थॉम्सन, थॉम्सन सीडलेस, सीडलेस में काम लेते हैं, एक परलेट में भी लेते हैं ध्यान रखना, तो थॉम्सन सीडलेस में काम में लेते हैं इसको, इस विधि को सबसे ज्यादा। तीसरी विधि की बात करें तो मैं एक बार डायग्राम को मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये पूरी विधियाँ इसमें नहीं आएगी, तो आप समझ जाना जो ट्रेलिस या निपिन या कोर्डन विधि है, ये विधि क्या करते हैं, अपन टेली खंबे खींच देंगे और बीच में छोटे ऊपर दोनों साइड। तीसरी जो विधि की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट विधि है शीर्ष विधि, शीर्ष विधि, शीर्ष विधि। ये जो विधि है इसमें ध्यान रखना, ये जो कमोजस्वी जातियां होती है ना, मतलब जिनके अंदर जो बेलें कम आती है, पत्तियां कम आती है, मतलब ये विधि अपनाई जाती है कम ओजस्वी, कम ओजस्वी प्रजातियों में, प्रजातियों में, मतलब जिसमें भीड़ भड़क का कम हो, आप समझ पा रहे हो। ये सबसे पुरानी विधि है, आपको ध्यान ये रखना, देखो सबसे कम ओजस्वी प्रजातियां होती है उनमें अपनाई जाती है, और सबसे पुरानी विधि है, ध्यान रखना, सबसे आसान विधि भी है, सबसे सरल विधि भी है, और सबसे पुरानी विधि। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, सबसे पुरानी विधि, सबसे पुरानी विधि, पुरानी विधि, सबसे सस्ती, सबसे सस्ती, सबसे सरल। इसमें देखो आप शीर्ष विधि, शीर्ष विधि में क्या करते हैं, जिन जो पौधे होते हैं जिनके तना मजबूत होता है उनमें ही अपनाई जाती है, एक खंबा रोप देंगे और इसके पास पास से ही लेंगे अपन, इसके पास पास से, मतलब जिन जो प्रजातियां होती है जिनका, मतलब कह सकते हैं अपन जिनका तना मजबूत होता है उनमें अपनाई जाती है कौन सी विधि, शीर्ष विधि। सबसे पुरानी विधि है, सबसे सस्ती विधि है, सबसे आसान विधि है, और इसी विधि को सबसे ज़्यादा अपनाते थे। लास्ट में जो विधि बच गई वो बच गई टेलीफोन विधि, चौथी विधि है टेलीफोन विधि, टेलीफोन विधि भी आप समझते हो। टेलीफोन विधि जो होती है, ये जो दो खंबे होते हैं ना, ध्यान रखना, टेलीफोन के खंबे आपने देखे हैं, ये खंबा है और ये टेलीफोन का खंबा है, इनके बीच में आपको पता है वो तीन तीन चार चार तार आ जाते हैं, तार, तार टेलीफोन। तो जो पौधे होते हैं, मतलब अपन कह सकते हैं जो पौधों के कतार से कतार, एक खंबा इधर रोक गया उसके आगे जो कतार आएगी, मतलब कतार से कतार की दूरी तो रखते हैं अपन, कतार से कतार, कतार की दूरी तो रखते हैं अपन 3x3 meters, कतार से कतार की दूरी रखते हैं 3x3 meters, मतलब खंबों को लगाते हैं, सॉरी जो प्लांट होते हैं उनसे कतार से कतार की दूरी, या बोल सकते हो प्लांट टू प्लांट की दूरी। और जो खंबे लगाते हैं अपन, खंबों से खंबों की दूरी होती है लगभग 4-5 meters, खंबे, खंबे से खंबा वो रखते हैं अपन 4-5 meters, मतलब 4 meters के लगभग एक एक खंबा लगाते हैं। और जो पौधे लगाते हैं वो खंबों के इनके बीच में लगा देते हैं और इनको फैला देते हैं। अरे जो तार होते हैं टेलीफोन के तार, उन पर लपेट देते हैं इनकी बेलों को, पत्थरों को। तो ये होती है, और ये विधि भी, टेलीफोन विधि भी ध्यान रखना, एक किस्म है परलेट और एक थॉम्सन सीडलेस, तो इनमें सबसे ज्यादा अपनाई जाती है। हाँ ठीक है दोस्तों, तो ये एक बार आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये अपन ने पढ़ी इसकी विधियां, तो एक बार आगे। अब देखो अपन बात करेंगे इसके किस्मों की, किस्में,
अंगूर की जो किस्में होती है उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो आप शांति से बनाए रखें, और इसकी जो किस्में हैं बहुत इम्पोर्टेंट किस्में बताऊंगा आपको। पहली किस्म अपन लेते हैं परलेट। परलेट देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म है। जो परलेट किस्म है ये सबसे पहले मतलब अपने भारत के अंदर लाई थी कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया आप जानते हो अमेरिका में आता है। कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया वहां से लेके आए थे इसको, कैलिफोर्निया से लाए थे भारत के अंदर। और ये भारत के अंदर जो उत्तरी पश्चिमी मतलब अपन राजस्थान की बोल सकते हैं, राजस्थान की फेवरेट वेराइटी है। अंगूर आपने देखा होगा खूब अंगूर। चलो देखो सबको मजा आ रहा, टेंशन मत लो आप। कैलिफोर्निया से लाए थे परलेट जो वेराइटी है, और राजस्थान के अंदर यही विधि सबसे यही जो वेराइटी है ये सबसे ज्यादा अपनाई जाती है। एक ध्यान रखना ये जो वेराइटी है, मैं इसकी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट विशेषता ही बता रहा हूँ। ये जो वेराइटी है परलेट ये बीज रहित किस्म है। बीज रहित किस्म है। अंगूर की बीज रहित किस्म कौन सी होगी? वो हो गई कौन सी? परलेट किस्म। अब एक ये जो परलेट किस्म है इससे आपने देखा हो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, सब नाम सुना आप जानते हो दिल्ली के अंदर, वहां से क्या हुआ था, ये जो परलेट किस्म है इसकी विकिरणों से, परलेट किस्म की विकिरणों से एक और किस्म का विकास किया था, लूज परलेट। मतलब मैं लिख सकता हूं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, और वो कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। इसकी विकिरणों से लूज परलेट किस्म का विकास किया गया। तो ध्यान रखना क्वेश्चन आ जाए वो कौन सी किस्म है जिसका लूज परलेट किस्म की विकिरणों से लूज परलेट किस्म का क्या हुआ विकास किया गया, वो कौन सी है? परलेट किस्म। एक इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम के अंदर मैं कर रहा हूं छपने की संभावना, और वो क्या है? आपको पूछेगा अंगूर में विरलीकरण अंगूर में किस किस्म का विरलीकरण किया जाता है। मतलब विरलीकरण का मतलब होता है जो फूल आते हैं ना, फूल इसके किस्म के ज्यादा फूल आ जाते हैं तो उन फूलों को झाड़ देते हैं। और आपको पता क्यों झाड़ते हैं? वो इसलिए झाड़ते हैं जो फलों की क्वालिटी अच्छी करने के लिए, क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए, अच्छी क्वालिटी के फल उत्पादन के लिए क्या करते हैं, उन फूलों को झाड़ देते हैं। पूरे फूलों को नहीं, मतलब कम फूल रखते हैं तो इसके जो अंगूर के फल होंगे उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो क्वेश्चन आएगा अंगूर की किस किस्म के अंदर विरलीकरण किया जाता है एकमात्र किस्म। तो ये चीज भी ध्यान रखना अंगूर की इस किस्म में विरलीकरण की क्रिया की जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया विरलीकरण। विरलीकरण का मतलब मैं बताता हूँ फूलों को झाड़ना, उसकी क्वालिटी अच्छी रखने के लिए क्या करते हैं अपन, उनको झाड़ देते हैं। आगे होगी समझ में आपको। इसके अलावा बात करें ये जो किस्म है ये भारतीय कृषि अनुसंधान के एक्स किरण जो रेडिएशन है उससे क्या किया गया था, लूज परलेट किस्म तैयार किया गया था। इस किस्म को काम में लेते हैं खाने के, तो ये किस्म किसके काम आती है? खाने के काम आती है। अपन जो अंगूर खाते हैं वो यही किस्म है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। चलो दूसरी किस्म की बात करें अपन, पूसा सीडलेस। सीडलेस मतलब बीज रहित, तो ये चीजें तो अपन बताने की जरूरत नहीं है। ये जो किस्म है
ये किस्म का आम आती है, ये किशमिश आपने देखा होगा, किशमिश, तो मैं इम्पोर्टेंट विशेषता ही बता रहा हूँ, किशमिश ये किस्म का आम आती है, एक तो किशमिश बनाने में और एक शराब बनाने में। शराब और किशमिश बनाने के लिए कौन सी किस्म का आम लेते हैं? पूसा सीडलेस। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। एक आती है ब्यूटी सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस। अब ब्यूटी सीडलेस की बात करें तो ये जो किस्म भी कहां से लाई गई थी? कैलिफोर्निया। मैं लिख देता हूं कैलिफोर्निया। ये किस्म भी कहां से लाई थी? कैलिफोर्निया से। तो ये चीज आप ध्यान रखना, सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो किस्में लाए थे वो लाए थे कैलिफोर्निया से। और ये किस्म का काम आती है ध्यान रखना शराब बनाने में। शराब बनाने के लिए कौन सी किस्म काम आती है? ब्यूटी सीडलेस। तो ये किस्म भी किसके काम आती है? शराब बनाने में, शराब बनाने में। और शराब बनाने में अच्छी किस्म की अगर बात कर ले अपन तो सबसे अच्छी किस्म है ब्लैक चंपा। ध्यान रखना ब्लैक चंपा, ब्लैक चंपा का आप इसके नीचे लिख लो, आप चाहे चौथी लिख लो, ब्लैक चंपा, ब्लैक चंपा, ब्लैक चंपा। ये भी किसके काम आती है? शराब, अच्छी क्वालिटी की शराब बनाने में। कौन सी किस्म आ गई? ब्लैक चंपा। तो एक बार इसको आप उतार लो, उसके बाद में बढ़ते अपन आगे। अब जो नेक्स्ट किस्म लेते हैं अपन, थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस अच्छी वेरायटी मानी जाती है। ओ सॉरी, वो एक चीज और ध्यान रखना, जो अपने लास्ट किस्म पढ़ी थी उसमें एक लाइन और लिख देना, परिवहन के लिए भी वो अच्छी मानी जाती है। जो लास्ट वेरायटी अपन ने पढ़ी थी ब्लैक चंपा से पहले अपने जो पढ़ी थी उसमें लिखना परिवहन के लिए भी अच्छी मानी जाती है वो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। थॉमसन सीडलेस की बात करें अपन तो ये जो किस्म है ये शराब, शराब ध्यान रखना इसका इम्पोर्टेंट रोल है। शराब और किशमिश आपने देख सुना पहले ही पढ़ चुके हैं, तो किशमिश और शराब के लिए ये वेराइटी भी क्या मानी जाती है? अच्छी मानी जाती है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो वेराइटी, इस वेराइटी को भी कहां से लाया गया था? अमेरिका से। ये वेराइटी भी कहां से लाई गई थी? अमेरिका, वही कैलिफोर्निया। तो इसका ये भी ध्यान रखना, भारत के अंदर जितना भी अंगूर बोया जाता है सबसे ज्यादा यही वेराइटी बोई जाती है, थॉमसन सीडलेस। मतलब अपन कह सकते हैं भारत में, भारत में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा इस किस्म को बोया जाता है, इस किस्म को बोया जाता है, बोया जाता है। और लगभग अपने भारत की बात करें तो 55% क्षेत्र पर, 55% क्षेत्र में इस किस्म को बोया जाता है, वो है थॉमसन सीडलेस। यहां से आपको एक क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि डिब्बाबंदी के लिए कौन सी अंगूर की कौन सी किस्म सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है? तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, डिब्बाबंदी, डिब्बाबंदी के लिए, के लिए भी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ किस्म कौन सी हो गई? वो भी थॉमसन सीडलेस। कहाँ बोई जाती है? तो अपना जो भारत है दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में, दोनों में, ऊपर और नीचे दोनों साइड ही बोई जाती है। तो दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत में इसकी खेती सबसे अच्छी करी जाती है, मतलब सफलतापूर्वक करी जा सकती है। और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बोई जाती है वो कौन सी बोई जाती है? थॉमसन सीडलेस। एक और किस्म है बेंगलोर ब्लू, बेंगलोर ब्लू,
बेंगलोर ब्लू, ये जो वेराइटी है ध्यान रखना, इस वेराइटी की एक ही खासियत है, ये क्या होती है, एक साल में क्या करती है, दो बार फल देती है। बेंगलोर ब्लू जो वेराइटी है ये क्या करती है, एक वर्ष में दो बार फल देती है, एक वर्ष में दो बार फल देती है। तो इसका ध्यान रखना, अंगूर की कौन सी किस्म है जो साल में दो बार फल देती है। इसके अलावा बात करें, एक और वेराइटी है अरका श्याम, कुछ बुकों के अंदर अरकी श्याम भी दे रखा, उसका नाम अरका श्याम है वो। तो अरका श्याम और श्याम आप जानते हो, श्याम बोलते थे अपन कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान का रंग कैसा होता था आपको पता, सांवला काला। तो इस अरका श्याम जो वेराइटी थी, इसमें एक ध्यान रखना, आप नाम सुना होगा आपने बेंगलोर का, हैसरगट्टा बेंगलोर के अंदर नाम सुना होगा। तो वहां एक किस्म थी बेंगलोर ब्लू, यही देखो बेंगलोर ब्लू ये किस्म, और एक नाम बताया था मैंने ब्लैक चंपा, इन दोनों के संकरण से बनी थी। कौन सी, अरका श्याम। एक तो बेंगलोर ब्लू और एक कौन सी थी, ब्लैक चंपा, जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी शराब के लिए, ब्लैक चंपा। इन दोनों के संकरण से कौन सी निकली थी, अरका श्याम। ये किस्म भी बेंगलोर ब्लू आपको पता एक साल में दो बार फल देती है, तो ये भी तो देगी, तो ये भी क्या, साल में दो बार फल देती है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, बेंगलोर ब्लू ये क्या काम आती है, ये काम आती है शराब बनाने के लिए। तो ये आती है शराब बनाने में। और एक चीज और ध्यान रखना, अपने जितनी भी किस्में पड़ी है और किस्मों से अच्छी इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, मतलब जो भी किस्में पड़ी है अपने अंगूर की, तो सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधी या रोग प्रति सहनशील किस्म कौन सी है, तो वो कौन सी हो गई आपको, हाँ प्रियंका सोलंकी जी ने बोला अरका श्याम के फल काले होते हैं। धन्यवाद बेटा, इसके जो फल होते हैं वो काले रंग के होते हैं, तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना, फल का रंग काला होता है। बेटा डिजिटल में क्या कभी कभार कुछ पॉइंट भूल जाते हैं, ये मुझे कन्फर्म पता था कि इसके फल काले रंग के होते हैं, श्याम जी का रंग भी काला होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मतलब याद नहीं आ पाती, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यू पढ़ाना पड़ता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो आप एक बार इसका नोट डाउन कर ले, अब देखो अब अंगूर जो होता है ना उसके अंदर कौन कौन सी, एक बार कमेंट्स थोड़ा सा नीचे करना है, एक कह रहा दर्शन कुमावत, मैंने एक बात नोटिस की है कि ज़्यादा एग्रीकल्चर जाट बोल लेते हैं। बेटा सभी के लिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ऐसा कि सभी लेते हैं, आजकल हर कृषि विद्यार्थी ले रहा है, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी से हो। और प्लीज़ आप ये जातिवाद वाले जो वर्ड ऐसे हैं, मतलब जाट यादव कोई SC ST इन चीज़ों पर आप कभी वो मत किया करो, क्योंकि आप एक एज ए स्टूडेंट हो और सभी जितने भी लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं, सभी कोई किस कौम से, अपन को हमको सबकी इज्जत करनी है। तो आप, क्योंकि एक बार जातिवाद का मुद्दा छिड़ गया तो आपको पता ही बहुत बुरा है, तो इन चीज़ों के बारे में बात मत किया करो, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। अब बात करेंगे अपन, जो अंगूर होता है इसके अंदर कुछ क्रियाएँ होती हैं, कब कटाई की जाती है, फूल कब आते हैं,
तो ये चीज अपन बात करेंगे। तो जो अपना भारत है, देखो ये भारत है, तो मैंने आपको बताया था उत्तर है उत्तरी भारत। तो उत्तरी भारत के अंदर मैंने बता चुका हूं जो कृंतक कृंतक क्रियाएं, मतलब बोल सकते कटाई छटाई, इनकी कटाई छटाई की जाती है, तो इस उत्तरी भारत में की जाती है जनवरी माह में। जनवरी माह में ये क्वेश्चन खूब बार आया हुआ है, इसको लगाने के लिए और कटाई छटाई के लिए, दोनों में ही जनवरी महीने में। तो कटाई छटाई, कटाई छटाई जनवरी महीने में की जाती है। अगर बात करें कृंतक, कृंतन जो होता है जनवरी में इसलिए करते हैं क्योंकि जो अंगूर का आपने पौधा देखा होगा ज्यादातर समय है ना वो सुषुप्त अवस्था में रहता है, सुषुप्त अवस्था डोरमेंसी स्टेज पे रहता है। तो भारत के अंदर अगर दक्षिणी भारत की बात करें, इस दक्षिणी भारत की बात करें तो इसकी जो कटाई छटाई साल में 2 बार की जाती है, एक तो गर्मी में की जाती है पहली कटाई छटाई दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में 2 बार कटाई छटाई, एक तो गर्मियों में, गर्मियों में और एक सर्दियों में, दूसरी की जाती है सर्दियों में, सर्दियों में साल में 2 बार करते हैं। अगर बात करें क्योंकि जो जो अंगूर होता है, देखो अब यहां पर जनवरी में काटेंगे, जनवरी में कटाई छटाई करेंगे तो आप समझ गए होंगे इनसे फूल कब आएंगे। अरे जब कटाई छटाई करेंगे 2-1 महीने बाद में फूल आना चालू हो जाएंगे। तो उत्तरी भारत में फूलों की पूछा जाता है फूल कब आते हैं, तो वो फूल कब आएंगे अपन मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल के महीने में फूल फूल। तो यहाँ भी वही है, 2 से 3 महीने आप दे सकते हो कटाई चटाई के फूल आने के बाद। बताया था मैंने एक कटाई चटाई या फलों का जो विरलीकरण होता है एक ही किस्म में करते हैं अपन, परलेट किस्म में। बेटा ऐप के ऊपर कंप्लीट कोर्स डला हुआ है, ये जो वीडियो है वहां पर रिवीजन के तौर पे चल रही है, उन ऐप के ऊपर रिकॉर्डेड वीडियो हम दोबारा नए सिरे से अपडेट कर रहे हैं, तो ऐप के अंदर कंप्लीट कोर्स डला हुआ है। हाँ बेटा इसका जो फल है रुकम, ये क्या रुकमन प्रजापत बोल रहा है सर, इसका फल कैसा होता है? तो बेटा इसका फल होता है वो नॉन क्लाइमेट्रिक होता है। देखो नॉन क्लाइमेट्रिक अंगूर का जो फल होता है वो होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। देखो इसको नहीं पकाया जाए, नॉन क्लाइमेट्रिक बोलते हैं जिनको नहीं पकाया जाता, नॉन यानी नहीं, नहीं पकाया जाता इनको, इनको पका पकाया तोड़ते। अब बात कर रहे हैं अपन आगे नेक्स्ट, एक बार अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हो, उसके बाद में करेंगे अपन रोगों के बारे में। देखो अंगूर जो होता है इसके अंदर कौन कौन से रोग होते हैं, रोगों के बारे में पहले बात करें अपन, पाउडरी मिल्ड्यू रोग पहला इंपॉर्टेंट रोग, पाउडरी मिल्ड्यू रोग, पाउडरी मिल्ड्यू रोग। देखो इसको बोलते हैं तुलसीता, आपने नाम सुना होगा तुलसीता, अरे पत्तियां ही पूरी जुड़ जाती है, बढ़ जाती है, जड़ जाती है, ये चीज आप जानते हो। ये जो होता है ये कवक से होता है और कवक का नाम है एसिनुला, ध्यान रखना एक एक वर्ड पकड़ के चलना, एसिनुला निकेटर, एसिनुला, एसिनुला निकेटर, ये क्या होता है कवक होता है, उसकी वजह से क्या होता है इसमें तुलसीता या पाउडरी मिल्ड्यू पाउडर टाइप का हो जाएगा। इसकी रोकथाम के लिए क्या करेंगे अपन, 0.25 वेजिटेबल सल्फर आता है, 0.25 0.25% क्या करेंगे वेजिटेबल, वेजिटेबल सल्फर का स्प्रे करेंगे तो ये रोग की रोकथाम हो जाएगी। अगर और रोग की बात करें एंथ्रेक्नोज, एक रोग और होता है एंथ्रेक्नोज, आपने सुना होगा एंथ्रेक्नोज पहला रोग हो गया। दूसरा अगर बात करें तो उस रोग का नाम आपने सुना होगा इसके अंदर एंथ्रेक्नोज रोग लगता, एंथ्रेक्नोज, अंगूर का एंथ्रेक्नोज रोग। ये जो रोग होता है ये भी किससे फैलता है, कवक से फैलता है और उस कवक का नाम है एम्पेलिना, ध्यान रखना एल्सिनो,
एल्सिनो, एल्सिनो एम्पेलिना, ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, कवक होता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, एल्सिनो एम्पेलिना ये क्या होता है, कवक से फैलता है। इसके ऊपर जो पत्तियां होती है उस पर काले और भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। अब अगर वो धब्बे पड़ गए तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, देखो आपने देखा होगा COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो इसमें करेंगे 0.2% का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करेंगे। मतलब अपन ले सकते हैं 5:5:50 COC। आपने देखा होगा ये जो रोड के ऊपर पेड़ पौधों के तनों को पुताई कर देते हैं वो भी COC से ही करते हैं। तो ये हो गया। एक होता है सूखा रोग, डाइबेक बोल दो आप, केस्टोस्पोला विटिगोला, उसका रोग कारक होता है। तो वो अक्सर पूछा नहीं जाता, इंपॉर्टेंट रोग, एक छोटा रोग पूछा जाता है और वो होता है हैंड एंड चिकन, जो कि मैंने टेस्टों में भी दे चुका हूँ आपको ऐप के ऊपर, लगभग 2-3 बार ही क्वेश्चन रिपीट भी हो गया, अंगूर का हैंड एंड चिकन, हैंड एंड चिकन, चिकन चिकन रोग। इस जो ये रोग होता है इसको एक नाम और आ सकता है, और अब की बार टेस्ट में मैं वही दूंगा, मिल्डा, मिल्डरांडेज, मिल्डरांडेज, अंगूर का मिल्डरांडेज रोग। और ध्यान रखना इस संडे को जो टेस्ट है शाम को 5 से 7 बजे एप्लीकेशन के ऊपर, ऐप के ऊपर, उसमें यही रोग दूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ आपको, मिल्डरांडेज। ये जो रोग होता है ये होता है अंगूर में बोरोन की कमी से, बोरोन जो पोषक तत्व होता है उसकी कमी से कौन सा हो जाता है, चिकन एंड हैन एंड चिकन रोग, ये होता है बोरोन पोषक तत्व की, बोरोन पोषक तत्व की कमी, तत्व की कमी के कारण। तो ये था अपने रोगों की बात हो गई। अगर बात करें अपन उपज की, उपज कितनी उपज हो जाती है एक हेक्टेयर में, तो इधर लिख देता हूँ मैं उपज, उपज देखो अंगूर की अच्छी किस्मों से जो वेराइटियों से है ना, लगभग 120 से लेकर 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में क्या हो जाती है, उपज मानी जाती है। इसकी उपज होती है 120 से लेकर 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इतनी उपज हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए लेता हूँ मैं विदा, और आप सभी को बताना चाहूँगा अब जो जितने भी फ्रूट बच गए अपने, बेर बच गया, आंवला बच गया, इसके अलावा नींबू, किन्नो, मौसमी, माल्टा, और भी ये जितने भी और फ्रूट है जैसे बेल हो गया, फालसा हो गया, ये अपने सिलेबस के अंदर जितने भी फ्रूट्स बच गए उन सभी की क्लासें आपको ऐप ASP कोचिंग जयपुर ऐप के ऊपर मिलेगी। क्योंकि अक्सर कुछ बता नहीं पाऊँगा, कुछ भी आप समझे, अगर आप फ्री क्लासें लेना चाह रहे हैं तो आप इस यूट्यूब के ऊपर ले, कल से मैं पढ़ाऊंगा सब्जियां, बाकी जितने भी अपने 8 फ्रूट्स और बच गए उन सब 8 फ्रूट्स की जो क्लासें आपको ऐप के ऊपर मिलेगी। अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है और अगर आप ऐप के ऊपर एक्टिवेट नहीं है तो आप मेरे जो नंबर डिस्प्ले पे चल रहे हैं आप अपने ID कार्ड की आगे और पीछे की फ़ोटो खींच कर मेरे पास भेज दें, मैं आपके नंबरों को एक्टिवेट कर दूंगा। अगर आपने अभी तक ऐप नहीं खरीदा है तो आप ऐप पर जो पेमेंट दर्शाया गया 1100 रुपये वो आप जमा करा कर भी आप क्लास से ले सकते हैं। अपने फ्लोरी जो पोमोलॉजी है, फूलों की जो, फलों की जो खेती है, उन सभी को सभी क्लासें अब मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगी। कल से मैं आपको जो कोई क्लास लेनी होगी तो सब्जियों में लेंगे अपन, और सब्जियों की क्लास के बारे में आपको पूर्व में सूचित कर दूंगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर जो लिंकें भेजने का कार्य था उसको अब बंद कर दिया गया, और बहुत जल्द यूट्यूब पर क्लासें भी अब क्लोज होने वाली है। तो आप जितने हो सके उतने विद्यार्थी, क्योंकि अक्सर मैंने खूब देख लिया ना कोई, मतलब जितने आप कोऑपरेट कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा आप खुद को कोऑपरेट कर पा रहे हैं। तो अब आप भी जानते हो कि, चलो दोस्तों आज के लिए बस विदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।